ये वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स कल्पना। अभी बज रहे हैं शाम के 4। तो वीडियो के टाइटल से तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस चीज़ के बारे में बोलने वाली हूँ। तो हाँ, मैं आज जा रही हूँ अपने मतलब नीचे एक रूम है, उसका वॉल खाली पड़ा हुआ था, तो मैं जा रही हूँ उसे डेकोरेट करने। और मुझे ज़्यादा चीज़ें लगाना वॉल पसंद नहीं है। तो हाँ, मैं शॉप के उसमें ऐसे देख रही थी, तो मुझे दिखा एक स्टीकर, तो आई फाउंड इट वेरी गुड, मुझे पसंद आया और इसका कॉस्ट भी बहुत कम था। तो हाँ, तो मुझे ये अच्छा लगा तो मैंने मंगाया। तो आज सुबह ही मुझे मिला हुआ है, मिला मतलब, तो मैं आज जा रही हूँ उसको लगाने। अभी जा रही हूँ उसको लगाने, आपको दिखाती हूँ मैं कैसे लगाती हूँ, कैसा लगता है आफ्टर। आई शो यू बिफोर एंड आफ्टर। ओके, ये रहा शॉप क्लूज का पैकेजिंग। पैकेजिंग भी बहुत सही आता है, ठीक। और ये है शॉप क्लूज, एंड देखिए आप प्राइस देखिए इसकी, 95। सो दिस इज सिपिंग टू कल्पना वन कोटी। ये देखिए, एक साइड से मैं खोल रही हूँ, एक साइड से ऐसे आता है और इधर साइड से भी ऐसे ही आता है, बट मैंने खोल लिया था, तो आई विल शो यू आफ्टर ओपनिंग इट। ओके, तो ये है खुलने के बाद, और इसका जो लास्ट लुक आएगा वो आएगा ऐसा, इस तरीके का। ये देखिए, इसमें नंबरिंग दी होती है कि कैसे हमको करना है, 9, 10, 8। तो स्टार्टिंग मुझे यहाँ से करनी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ऐसे नंबरिंग दी रहती है। और इन सब चीज़ों में भी ऐसे नंबरिंग दी रहती है, तो हमको ऐसे निकाल के ऐसे लगाना रहता है। इसमें अच्छा ग्लू रहता है, और ये दो आए हैं शायद, ऐसे करके दो आए हैं। तो इन सब में नंबरिंग दी रहती है, देखिए 7, 2A। ये तो इसका फाइनल लुक आएगा कुछ ऐसा। इसमें भी नंबरिंग दी गई है कि कैसे हमको लगाना है। तो अब चलिए जाते हैं इसको लगाने। सो दिस इज द रूम वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड दिस इज द वॉल वेयर वी विल बी गोइंग टू पुट द स्टिकर। एंड या दिस इज होल एम्प्टी, एंड वी गोइंग टू पुट द स्टिकर ओवर हियर। सो दिस इज द वॉल दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, और ये रहे स्टिकर्स। तो अब हम चलते हैं इनको लगाने। तो ये देखिए कुछ इसका पहला पार्ट जिसमें 1 लिखा हुआ था। तो अब हम इसको जाने पेस्ट करने। अब देखिए कैसा ये मटेरियल रहता है, इस साइड से ग्लू, और ये देखिए तब पतला सा पेपर जैसा रहता है, ऐसा लगता है कि पॉली है, या ऐसा लगता है पॉली है। कि इसके ऊपर से अगर आप गीले गीले कपड़े से भी कुछ करेंगे ना, तो इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये कुछ पॉलीथीन टाइप का मटेरियल है। ये देखना, कुछ इस तरीके से निकालना रहता है। ये देखिए, ऐसे तो ये लग गया है आधा, अभी लग गया है आधा, अभी थोड़ा बचा है जो भी लगाना है। तो आधा तो लग चुका है, अब आधा देखते हैं कैसा लगता है। मैं यहाँ पे नीचे देख रही थी, क्योंकि नीचे रखा हुआ था उसका पैटर्न कि कैसे उसको लगाना है। तो मैं नंबरिंग देख रही थी कि कैसे, मतलब कौन सा नंबर कहाँ पे लगाना है। तो यहाँ मैंने लाइट ऑफ कर दी है, क्योंकि लाइट की वजह से, उस इफेक्ट की वजह से यहाँ पे इफेक्ट आपको क्लियर नहीं दिख रहा था। तो ये है नेचुरल सनलाइट, और स्टिकर लग चुका है इतना, मतलब मोस्टली कंप्लीट हो गया है। बस सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी बर्ड्स हैं जो बची हैं, जो किनारे से लगानी है, जो कि है अभी करना। लेकिन हाँ, देखिए कितना सुंदर लग रहा है।
सुंदर अच्छा लग रहा है, मतलब पहले से तो अच्छा लग रहा है। तो ये नेचुरल लाइट है, नेचुरल लाइट में दिख रहा है कि कैसा ये है असलियत में। तो इसमें बने हैं छोटे छोटे केज, दिखाती हूँ अभी बर्ड्स लगाने के बाद। तो अब लग चुका है ये पूरा का पूरा स्टिकर। तो तब मैं बात कर रही थी इन छोटी छोटी बर्ड्स बर्ड्स की, इन छोटी छोटी बर्ड्स की जो मैंने लगाई हैं। तो ये कुछ लग रहा है ऐसा। अब मैं लाइट ऑन करती हूँ, एक मिनट रुकिए। ये लाइट ऑन, तो अब देखिए पास से देखिए तो अच्छा है। इसमें केज हैं, बर्ड्स हैं, वेरी कलरफुल 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 है सारी। अलग अलग कलर्स की बर्ड्स हैं, अलग अलग कलर्स के फ्लावर्स हैं, और अच्छा है जैसे भी है। और 95 रुपीज़ में क्या लेंगे यार, इतना दे जो दे रहा है आपको सॉफ्ट क्लूज। अगर आपको भी चाहिए तो आप लीजिए और डेकोरेट करिए अपना रूम। और दूसरी बात पता है, ये 95 रुपीज़ का था, इसमें कोई डिलीवरी चार्जेस नहीं थे। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस वाले स्टिकर के लिए। मतलब उसमें किसी किसी स्टिकर्स में डिलीवरी चार्जेस अलग से ऐड ऑन होते हैं, तो इसमें ये 95 का था और मुझे जब पड़ा तो 95 का ही पड़ा। इसमें कोई एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्जेस नहीं थे, तो ये इस स्टिकर का प्लस पॉइंट था। तो अब हम लगा चुके हैं वॉल स्टिकर। तो अब ये वॉल लग रही है कुछ ऐसी जो कि कलरफुल है, एंड आई लाइक दिस, अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि ये स्टिकर जल्दी ख़राब हो जाता है, स्टिकर सही है। बस एक और स्टिकर जो मैंने लगाया था बहुत पहले, ये अभी का नहीं है, पहले लगाया था। और ये देखिए, ये भी शॉपक्लूज़ की साइट का ही है, आपको ये अवेलेबल भी होगा अगर आप चाहेंगे शॉपक्लूज़ साइट में, तो अभी भी अवेलेबल है। शायद इसकी कॉस्ट, जब मैंने मंगाया था तब इसकी कॉस्ट अराउंड 120 और 130 थी, और अभी पता नहीं कितनी है, तब मैंने देखा नहीं। देख इसमें भी केज है और बटरफ्लाइज है। तो ये लगा था 1 या 1.5 या 2 साल पहले लगा था, तो अभी भी इसमें कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। अभी भी ये बिल्कुल न्यू लगता है, दूर से तो बिल्कुल नया लगता है। अगर अगर पास से आकर देखोगे तो देखोगे आप कहीं कहीं पे इसका ग्लू निकल रहा है, अभी कहीं कहीं पर, हर जगह नहीं, लेकिन दूर से ये बहुत सुंदर लगता है और बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। और एक और है जो मैंने उसी, जब मैंने वो लगाया था ना तब ये भी लगाया था सामने वाली वॉल में, तो ये भी अभी तक ऐसा ही है। ये भी आपको बहुत दिखेगा शॉपक्लूज़ साइड में। ये भी कुछ 99 या 100 कुछ इतने का ही है, तो ये भी बहुत अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ये भी। तो हाँ ये सब चीज़ें हैं, ये सब कुछ स्टिकर स्टिकर वगैरह अगर आपको चाहिए, आपको पसंद है, तो ये अच्छे आते हैं शॉपक्लूज़ पे और सस्ते भी होते हैं। तो और ये टोटली वर्थ इट भी होते हैं, क्योंकि ये अच्छे भी लगते हैं और चलते भी हैं। और इस पर आप अगर ये पॉलीथीन टाइप के बने होते, तो इस पॉलीथीन टाइप के मटेरियल से बने होते, तो आप मतलब ये नहीं है कि ये आपका पानी की वजह से ख़राब हो जाएगा या फिर पानी लगेगा तो ख़राब हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें पानी लगे कुछ भी लगे ये सही रहता है। और इवन अगर इसके ऊपर कुछ लग भी जाए तो आप पानी के कपड़े से भी इसको साफ़ कर सकते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, गिव इट इज़ अ बिग थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। और आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पे एंड। तो आपको मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।